आइए आपको बताते हैं कैसे अपनी बहू से प्रताड़ित होकर सास ने तालाब में छलांग लगा दी। खबर जबलपुर से है, जहां अपनी बहू से प्रताड़ित होकर एक बुजुर्ग महिला ने हनुमान ताल तालाब में छलांग लगा दी। बुजुर्ग महिला को डूबते हुए देख मौके पर खड़े पुलिस आरक्षक ने भी तालाब में छलांग लगाकर बुजुर्ग महिला की जान बचा ली। इसके बाद आरक्षक महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवाया। पुलिस आरक्षक का नाम सौरभ तिवारी है, जो कि हनुमान ताल थाने में पदस्थ है। पुलिस आरक्षक सौरभ तिवारी ने तालाब से बुजुर्ग महिला को अकुशल निकालकर उसे अस्पताल तक भी पहुंचाया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात को पुलिस आरक्षक सौरभ तिवारी की ड्यूटी डायल 100 में लगी हुई थी, जब वह हनुमान ताल तालाब के पास घूम रहा था। उसी दौरान सूचना आई कि एक बुजुर्ग महिला हनुमान ताल में कूद गई है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरक्षक सौरभ तिवारी ने भी तालाब में छलांग लगाकर बुजुर्ग महिला की जान बचा ली। सौरभ तिवारी महिला को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल भी पहुंचाया। बुजुर्ग महिला का नाम कौशल्या यादव है, जो कि चेरी ताल की रहने वाली है। सौरभ तिवारी के द्वारा बुजुर्ग महिला से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह अपनी बहू से परेशान है, उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता है, जिसके चलते उसने आत्महत्या करने की ठानी और हनुमान ताल तालाब में पहुंच गई। बुजुर्ग महिला का कहना है कि मुझे अब घर नहीं जाना है, जहां पर कि मुझे प्रताड़ित किया जाता है। बुजुर्ग महिला कौशल्या यादव का नाती कोतवाली थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। वह अपनी दादी को अब साथ में रखने के लिए तैयार हो गया है। हनुमान ताल थाने में पदस्थ आरक्षक सौरभ तिवारी की बहादुरी के किस्से सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहे हैं। जिस तरह से सौरभ ने अपनी जान की परवाह किए बिना तालाब में कूदकर बुजुर्ग महिला की जान बचाई है, उसके बाद अब न सिर्फ पुलिस अधिकारी बल्कि स्थानीय लोग भी पुलिस आरक्षक की सराहना कर रहे हैं। विराट 24 के लिए जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। क्या हो गया, रो क्यों रही है भाई? मेरे सरवन बेटा, क्या बोल रही है? या तुम तुम माया, तुम थोड़ी जल्दी से निकाल यहाँ पे, बाजार में छोड़ो। या